देवतला विधानसभा से आपको फिर से प्रत्याशी बनाया है, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या जनता तक अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि 15 साल से आप देवतला के विधायक। सबसे पहले मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे फिर से प्रत्याशी अधिकृत किया है देवतला से, और देवतला क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद उनके शुभकामना के कारण मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। अब केवल हम जो चुनाव उतरे हैं तो हमारे सामने केवल दो ही चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हमने जो काम किया है वो जनता के बीच में उनके सामने है, और जो कहा है वो करके दिखाया है, तो एक विश्वास पैदा किया हमने अपने क्षेत्र के भीतर कि हमने ये किया, तो स्वाभाविक है जो बातें आगे होंगी जो करने का मन है तो जब उनको बात करेंगे तो जनता इस बात पर विश्वास करेगी कि ये करें तो करेंगे। ऐसी विश्वास के आधार पर मुझे उम्मीद है कि इस बार और भारी तादाद में जनता हमको समर्थन करेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी ने आरोप भी लगाया है कि 15 साल से रहे लेकिन विकास नहीं हुआ देवतलाब में, तो कितना चुनौती मानते हैं आप कांग्रेस के प्रत्याशी को, क्योंकि वो आपके भतीजे भी हैं। कांग्रेस की कोई चुनौती है ही नहीं है, चुनौती विहीन है कांग्रेस का, ही भी चुनौती कांग्रेस की। और जहाँ तक विकास का सवाल है तो आप देवतला में खड़े हो जाइए, जाइए खड़े हो जाएंगे, अपने आप दिखाई पड़ेगा कि विकास हुआ कि नहीं, कोई कहने की बात नहीं देखने की बात है। और कांग्रेस को आरोप लगाना ही चाहिए, आरोप नहीं लगाएंगे तो वोट ये मांगेंगे कि सबसे बेहतर काम हुआ है इसके बाद भी हमको वोट दो तो जनता कैसे विश्वास करे, इसलिए तो आरोप लगाने पड़ेगा, आरोप किसी भी हमारे विरोधी को हमारे ऊपर लगाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। कांग्रेस के प्रत्याशी को कितनी चुनौती मानते हैं? हम कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई माने नहीं है, हम तो विचारधारा के आधार पर लड़ने वाले व्यक्ति हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हैं, कांग्रेस को उस विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई है जो कांग्रेस सनातन धर्म को नष्ट करने वाले, सनातन धर्म को डेंगू कहने वाले, मलेरिया कहने वाले लोगों के साथ इंडिया गठबंधन बना करके काम करती है और एक शब्द नहीं बोलती जब उनके साथी बोलते हैं, और जब ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ इसी के लिए बना हुआ कि सनातन धर्म को समूलतः नष्ट कर देंगे, तब भी कांग्रेस चुप हो जाती है। देखिए, इस देवतला विधानसभा में मुद्दे तो कई सारे हैं, पर वर्तमान में जो माहौल है, यहाँ सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष हैं और यहाँ एक भय का वातावरण बना हुआ है, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो यह है कि इस भय के वातावरण को दूर किया जाए। बाकी रही स्थानीय मुद्दों की बात, तो स्थानीय सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि यह देवतला विधानसभा जो प्राचीनतम शिव मंदिर है, जो रीवा और मऊगंज जिले को मिलाकर एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है लोगों की, उसके विकास का कार्य इतने बड़े पद पर रहते हुए वो नहीं कर पाए, वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना यह सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद हमारे यहाँ एक प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है बहुती जलप्रपात, उसके डेवलपमेंट का काम, और देवतलाव जो विधानसभा जिस नाम से जाना जाता है वह आज भी वर्तमान में एक ग्राम पंचायत है, वहाँ के लोगों की मांग है कि उसे नगर पंचायत का दर्जा मिले।